हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं टुका टेक ट्यूटोरियल का पार्ट 3। उम्मीद है आपने टुका टेक ट्यूटोरियल का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में टुका टेक ट्यूटोरियल के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की लिंक दिया हुआ है, तो पहले आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें ताकि यह पार्ट 3 आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो गाइस, आज के इस वीडियो पे हम आपको यह सब टूल्स की जानकारी देने वाले हैं जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: पीस इन्फॉर्मेशन, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन, रिप्लेस ओल्ड, सेव एक्टिव एस न्यू, रिमूव एक्टिव, स्विच पीस, सेपरेट सिम, डिलीट सिम, रिमूव सिम, इंटरनल टू सिम और मैनुअल सिम एंगल। तो गाइस, जैसे कि हम पिछले वीडियो में यहाँ डिजिटाइज से लेकर यहाँ वीडियो हेल्प तक बता चुके हैं, और आगे जो टूल्स की जानकारी देने वाले हैं वह भी हमने अभी अभी आपको बता ही दिया है। तो चलिए, समय को और भी ज़्यादा ना ख़राब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो का जो पहला ऑप्शन है वह है पीस इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, जैसे कि इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है, इसका नाम है पीस इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हम पैटर्न बना रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ इसके अंदर भरना है। तो चलिए, इसके अंदर क्या और कहाँ भरना है सीख लेते हैं। तो गाइस, पीस इन्फॉर्मेशन में हम किसी एक पार्ट की जानकारी को भरते हैं। जैसे कि यह मैंने स्लिप के ऊपर एक बार क्लिक किया और क्लिक करते ही स्लिप सेलेक्ट हो गई है, और अब हमको इसके बाद यहाँ पीस इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। तो यह मैंने पीस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही एक बड़ी सी विंडो स्क्रीन पे ओपन हो गई है जिसका नाम है पीस इन्फॉर्मेशन। तो अब इस विंडो के अंदर हमें स्लिप की डिटेल्स को भरनी है। जैसे कि इस बॉक्स से पहले लिखा है पीस, तो हमें यहाँ पर पीस का नाम भरना है। तो यह मैंने पीस का नाम यहाँ पर स्लिप लिख दिया है, और उसके नीचे है कोड जिसमें हम कट भरते हैं, यानी कि यह स्लिप कितने कट में कटना है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं एक पीस में दो स्लिप लगती हैं, इसलिए मैं इसमें कट टू भर देता हूँ। तो यह मैंने इसमें कट टू भर दिया, और अब इसके नीचे है डिस्क्रिप्शन। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन पे आप स्लिप से जुड़ी हुई कुछ भी जानकारी भर सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और अब उसके नीचे है मटेरियल। हम हमेशा मटेरियल के सामने वाले बॉक्स पे फैब्रिक का नाम भरते हैं, जैसे कि होजरी, नीड्स, कॉटन या फिर और कोई फैब्रिक का नाम भर सकते हैं। अगर फैब्रिक का नाम पता नहीं है तो आप यहाँ पर सिल भर सकते हैं, नहीं आप खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप पहले से ही कट मटेरियल सही से भरते हैं तो आगे के लिए अच्छा होता है। और अब उसके नीचे है टेक्स्ट साइज, यानी कि जो हम लिख रहे हैं वह पार्ट के ऊपर कितने बड़े साइज में दिखाई दे। तो गाइस, यह निर्भर करता है कि आपके पार्ट के ऊपर, कि आपका पार्ट जो है वह कितना बड़ा है और आप उसके ऊपर कितना बड़ा लिखा हुआ देखना चाहते हैं। तो गाइस, अगर आप बच्चे का पीस बना रहे हैं तो आप इसकी साइज 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं। मेरे हिसाब से यह साइज ना तो ज़्यादा बड़ी है और ना तो ज़्यादा छोटी है। और जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, आप पार्ट को देखते हुए यह साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो बच्चे का पीस है और छोटा सा बैक योक है, और हमने उसकी टेक्स्ट साइज 1 सेंटीमीटर रख दिया, तो यह टेक्स्ट साइज जो है योक के हिसाब से बड़ी हो जाएगी और लिखा हुआ योक से बाहर चला जाएगा, और प्रिंटिंग के दौरान आधा लिखा हुआ कट जाएगा। इसलिए आप टेक्स्ट साइज डालने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा लिखा हुआ पीस से बाहर जा रहा है, तो आप दोबारा से इसी पीस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके टेक्स्ट साइज को और कम कर सकते हैं। और पीस इन्फॉर्मेशन की विंडो को ऊपर लाने के लिए एक और भी तरीका है, वह यह है कि आप किसी भी पार्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो पीस इन्फॉर्मेशन वाली विंडो ऊपर आ जाएगी, और फिर आपको जो लगता है चेंज करना है वह दोबारा से यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से टेक्स्ट साइज को यहाँ से कम कर देना है। बाकी आपको काम करते करते फिर आइडिया हो जाएगा कि किस पार्ट पे टेक्स्ट साइज कितना रखूँ ताकि पार्ट के ऊपर ठीक ठाक दिखाई दे। तो गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो इसके आगे एक और बॉक्स है जिसका नाम है एंगल। तो गाइस, एंगल बॉक्स इसलिए दिया गया है कि हम इस लिखावट को अलग अलग एंगल पे घुमा सकें। जैसे कि मैं अगर इस बॉक्स पे 0 डिग्री की वैल्यू डालूंगा तो यह लिखा हुआ हमें सीधा दिखाई देगा। तो यह मैंने इसमें 0 वैल्यू डाल दिया है,
और जब मैं इसे अप्लाई कर दूंगा तो यह लिखा हुआ मुझे 0 डिग्री एंगल पे दिखाई देगा। अगर आप इसे लिखे हुए को तिरछा रखना चाहते हैं तो आप इसमें 45 डिग्री की वैल्यू डाल सकते हैं और फिर यह लिखावट तिरछा में दिखाई देने लगेगी, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे 0 डिग्री ही रहने देता हूँ। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो गाइस, एक बॉक्स इसके नीचे भी दिया गया है जिसमें अभी टिक लगा हुआ है और बॉक्स के सामने लिखा है सेंटर्ड बाई ग्रे लाइन, यानी कि अगर इस बॉक्स पे टिक लगा रहेगा तो जो भी डिटेल्स हमने लिखा है वह ग्रे लाइन के आधा ऊपर दिखाई देगी और आधा नीचे दिखाई देगी, और मुझे हमेशा यही सही लगता है। और अगर हमने इस टिक को हटा दिया तो सारा लिखा हुआ ग्रे लाइन के ऊपर दिखाई देगा, जो मुझे ठीक नहीं लगता है। और अगर आपको ठीक लगे तो यह काम आप यहां से कर सकते हैं। और अब उसके नीचे है क्वांटिटी पर बंडल, यानी कि यहां पर यह भरना है कि एक पीस में स्लिप कितनी लगेगी। तो जैसे कि अभी हमने पीछे बताया है कट 2 लगेगी और लिखा भी है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों भरना है। तो गाइस, यहाँ पर भी भरने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो हमने ऊपर वाले बॉक्स पे कट 2 लिखा है वह सिर्फ पैटर्न पे ही लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब बात आएगी मार्कर लगाने की तो वह कट 2 को हमारा सिस्टम नहीं समझेगा, वह समझेगा यहाँ क्वांटिटी पे भरी हुई वैल्यू को। तो साथ के साथ यहाँ पर भी यह भर देना है कि एक पीस में कौन सा पार्ट कितना लगेगा। तो मैं यहाँ पर 2 भर दिया हूँ। तो गाइस, अब उसके नीचे है ओपोजिट पीस। तो गाइस, पीस में जब भी कभी 2 पार्ट लगते हैं तो हमेशा हमें नॉन से टिक हटाकर बीच वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना होता है और इसमें टिक लगा देना होता है, जैसे कि यह मैंने लगा दिया है, क्योंकि स्लिप हमें हमेशा जवाबी चाहिए होता है। वैसे हर एक पार्ट को आपको ऐसे ही करना है जो पार्ट 2 कट में लगने वाले हों, नहीं अगर एक तरफा कटिंग हो गई तो सारा खेल ख़राब हो जाएगा। और उसके नीचे एक ऑप्शन और भी दिया गया है जो है साइड डेफिनेशन का। तो चलिए जानते हैं इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा यह है कि मान लो हमने कोई शर्ट का पैटर्न बनाया हुआ है जिसमें एक तरफ हिडन फ्लैकिट है और एक तरफ बटन टेप है सिंपल सा, तो आपको लेफ्ट राइट के 2 पैटर्न बनाना पड़ेगा क्योंकि कट 2 करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिडन प्लेकेट में कपड़ा कई लेयर लग जाता है। इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है लेफ्ट का और दूसरा है राइट का। तो आपको यहाँ से वह सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा पार्ट लेफ्ट का है और कौन सा पार्ट राइट का है। तो गाइस, अब इसके बाद आ जाते हैं इधर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर बात करते हैं साइज के बारे में। तो अभी आप देख पा रहे होंगे साइज के आगे एक बॉक्स है जिसमें लिखा है साइज S। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह कहां से और कैसे भरना है। तो गाइस, यहां यह साइज दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन यहां से साइज हम भर नहीं सकते। इसके लिए हमें ग्रेडिंग टेबल पे जाना होता है और वहां पे साइज के सामने स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, जो भी साइज आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तब आपको वह साइज यह पीस पे भी दिखाई देने लगेगा और यहाँ पर भी दिखाई देने लगेगा। अगर आपने सिंगल साइज बस डाला है तो सिंगल बस दिखाई देगा, नहीं तो अगर आपने सभी साइज को भरा है तो यहाँ क्लिक करने के बाद वह सभी साइज दिखाई देंगे। और अब उसके नीचे एक और भी ऑप्शन है जिसका नाम है एरिया। तो अब आप सोचोगे कि इसका क्या फ़ायदा है। तो मुझे तो इसका कोई फ़ायदा जल्दी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ काम लगता है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी इसका काम क्या है वह मैं आपको बता देता हूं। तो यह जो पहला बॉक्स है इसमें लिखा हुआ है 0.1353 स्क्वायर मीटर, यानी यह स्लिम में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को यहां स्क्वायर मीटर के हिसाब से बता रहा है। और उसी के सामने एक और भी बॉक्स है जो है पैरामीटर का। तो इस बॉक्स पे अभी जो वैल्यू भरी है वह है 142.44 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम स्लिप को किसी एक जगह से नापना शुरू करें और वहीं पर आकर ख़त्म करें तो वह वैल्यू यही होगी जो यहाँ पर लिखी हुई है 142.44 सेंटीमीटर, यानी यह इसके चारों तरफ का एक मेजरमेंट है जो यहाँ दिखा रहा है। बाकी आप इस ऑप्शन को किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वह आपके दिमाग पे डिपेंड करता है।
तो मुझे उम्मीद है आप यह सब बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो गाइस अब बात करते हैं, उसके नीचे दो बॉक्स और भी हैं, एक है एक्स का और दूसरा है वाई का। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्स वाले बॉक्स पे 44 सेंटीमीटर है और वाई वाले बॉक्स पे 38 सेंटीमीटर वैल्यू भरी हुई है। तो गाइस यह जो वैल्यू है वह 44 सेंटीमीटर स्लिप की लेंथ वाली वैल्यू है और जो 38 सेंटीमीटर है वह स्लिप के बाइसेप के पास वाली वैल्यू है, वह भी ओपन करके, क्योंकि स्लिप का पैटर्न हाफ खुला हुआ है इसलिए यह सिस्टम जो भी कैलकुलेट कर रहा है वह सब ओपन स्लिप के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। तो मैंने अभी जो भी बताया वह सब इसी तरह से ओपन स्लिप के हिसाब से हमें बता और दिखा रहा है। और अब इसके नीचे यहाँ चार ऑप्शन और दिए गए हैं जिनमें टिक लगाने और हटाने के लिए बताया गया है। वैसे मेरे हिसाब से जल्दी इनका कोई यूज नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है रीड ओनली, अगर हमने इस पर टिक लगा कर अप्लाई कर दिया तो यहाँ टूल्स बार के सभी सारे टूल्स डिसेबल हो जाएंगे और फिर हम इस पार्ट पे कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर दूसरे पार्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यह टूल्स दोबारा से हाईलाइट हो जाएंगे, लेकिन इस पार्ट पे क्लिक करते ही यह आधे से ज़्यादा टूल्स डिसेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट ऐसा है जिसमें अब कोई चेंजेस गलती से भी ना हो जाए तो आप इस तरह से यहाँ टिक लगा सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई काम जल्दी पड़ने वाला है। ठीक इसी तरह से यह तीनों ऑप्शन और भी हैं, जैसे कि डिसेबल ऑटो रिसिम, डिसेबल ऑटो अपडेट नोच विल रिसिम और तीसरा है लॉक सिम ग्रेडिंग। तो यह ऑप्शन लॉक और अनलॉक करने के लिए दिए गए हैं। तो आपको अगर लगे कि यह कोई काम के हैं तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अब उसके नीचे लिखा है हाफ़। तो गाइस हाफ़ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारी स्लिप है वह हाफ़ में खुली हुई है, इसलिए यहाँ पर हाफ़ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यह स्लिप हाफ़ खुली हुई नहीं होती तो यह जगह यहाँ पर खाली होती। और अब इसके नीचे चार ऑप्शन और दिए गए हैं जिनका नाम है ऑन मार्कर रोटेशन अलाउड। तो गाइस यहाँ से हम पार्ट को 1 बे 2 बे या 4 बे पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन 1 बे का है और दूसरा ऑप्शन 2 बे का है और तीसरा ऑप्शन 4 बे का है और लास्ट वाला ऑप्शन 22 का है। तो हम हमेशा 2 बे वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट रखते हैं क्योंकि अधिकतर फैब्रिक 2 बे में ही होता है और 1 वे में तो हम तब सेलेक्ट रखते हैं जब कोई फैब्रिक का प्रिंट एक तरफा प्रिंट होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से आप 1 वे 2 वे 4 वे पे 22 पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको 1 वे 2 वे 4 वे क्या है यह आपको नहीं पता है तो आप हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखें, हमने उनमें 1 वे 2 वे 4 वे ये सब क्या है बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। और अब उसके नीचे है मैक्स टिल्ट अलाउड, यानी कि अधिकतम झुकाव की अनुमति। तो गाइस अगर आप कोई पार्ट का झुकाव निर्धारित करना चाहते हैं तो आप यहां पर वह वैल्यू डाल सकते हैं और किस दिशा में निर्धारित करना चाहते हैं वह भी यहां से एरो देख करके सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यह भी जल्दी कोई इस्तेमाल में आने वाला नहीं है, फिर भी आपके समझ में आए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं। और अब उसके नीचे एक ऑप्शन और है जिसका नाम है बफर साइज। तो पहले जानते हैं यह बफर है क्या। तो गाइस यह जो बफर है यह तब काम आता है जब हम प्रोडक्शन मार्कर लगाते हैं तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच के गैप को हम बफर कहते हैं। तो हम यहां पर अगर अभी से बफर की वैल्यू भर देंगे तो मार्कर लगाते समय यह भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर अभी नहीं भरा तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि जब हम मार्कर लगाते हैं उस समय हम एक ही बार में बफर अप्लाई कर देते हैं तो पूरे पार्ट में एक ही बार में अप्लाई हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी से बफर डालना समय को ख़राब करना है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप फिलहाल इसे ऐसे ही खाली छोड़ दें, जब मार्कर लगाया जाएगा उस टाइम आप एक बार में डाल सकते हैं। बाकी नॉलेज होना चाहिए इसलिए मैंने यह सब बता दिया है। और अगर आप फिर भी डालना चाहते हैं तो आप 1 या 2 mm डाल सकते हैं, लेकिन 2 mm से ज़्यादा कभी बफर आपको नहीं डालना है।
और फिर जब सब भर जाए तो एक बार अप्लाई करना है और क्लोज कर देना है। और क्लोज करते ही वह सारी डिटेल्स वह पार्ट पे अप्लाई हो जाएगी जो पार्ट आपने सेलेक्ट कर रखा था। ठीक इसी तरह से सभी पार्ट में बारी बारी से भर देना है। आप और भी जल्दी भर सकते हैं, मैंने इतना ज़्यादा समय इसलिए लगाया ताकि आप पूरी पीस विंडो के अंदर की जानकारी समझ सकें, नहीं तो मैं भी आपको थोड़ा बहुत बता करके आगे बढ़ जाता। लेकिन मुझे आपको सब कुछ जीरो से सिखाना है, इसलिए हर चीज़ कवर करके चल रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप ये सब बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो गाइस, पीस इन्फॉर्मेशन में क्या और कहाँ भरना था वह हमने आपको बहुत डिटेल से बताने की कोशिश किया है। अगर फिर भी कुछ रह गया है या फिर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, यह ऑप्शन भी सेम पिछले ऑप्शन की तरह है, पर इसका नाम था पीस इन्फॉर्मेशन और इसका नाम है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। वह ऑप्शन था किसी एक पार्ट की डिटेल्स भरने के लिए और यह है पूरे पार्ट पे एक बार में किसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए। और इन दोनों के विंडो के अंदर का जो इंटरफेस है वह लगभग एक ही जैसा है, बस कुछ ऑप्शन इसके अंदर से हटाए और जोड़े गए हैं। तो चलिए, इसके अंदर क्या नया है और इन दोनों में क्या फ़र्क है पहले वह समझ लेते हैं, उसके बाद मुझे उम्मीद है जब आप इन दोनों के बीच का फ़र्क समझ जाएंगे तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन किस काम का है वह आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो गाइस, जैसे कि पिछले ऑप्शन का नाम था फीस इन्फॉर्मेशन, यानी कि पिछले वाले ऑप्शन से हम सिर्फ एक पार्ट के अंदर की जानकारी को भर सकते थे, और यह ऑप्शन का नाम है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। तो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन में हम वह जानकारी भरते हैं जो हमें पूरे पीस में चाहिए होता है, जैसे कि स्टाइल नंबर, क्योंकि स्टाइल नंबर को हमें हर एक पार्ट पे लिखा हुआ चाहिए होता है, और कट वगैरह तो हर पार्ट के अलग अलग होते हैं इसलिए अलग अलग लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टाइल नंबर और उसके नीचे बॉक्स पर स्टाइल नंबर भरा हुआ है, क्योंकि हमने जब सेव किया था उसी दौरान स्टाइल नंबर डालकर सेव किया जाता है और उसी दौरान यह ग्लोबल इन्फॉर्मेशन में भी डल जाता है। अगर अब हमें इसको बदलना है तो हम इस स्टाइल नंबर को हटा करके दूसरा स्टाइल नंबर डाल करके अप्लाई कर सकते हैं, फिर वही स्टाइल नंबर सभी पैटर्न पे अप्लाई हो जाएगा, मेरा मतलब जितने भी पार्ट हैं। तो गाइस, इसके अंदर कुछ ही ऐसी चीज़ है जो हमें भरने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इसकी हमें जल्दी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, एक तरफ मैं पीस इन्फॉर्मेशन वाली विंडो ओपन कर लेता हूँ और एक तरफ ग्लोबल इन्फॉर्मेशन वाली विंडो भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि आप दोनों का डिफरेंस समझ सकें और मुझे भी आपको समझाने में आसानी हो जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं, इधर यह पीस इन्फॉर्मेशन की विंडो है जिसकी जानकारी हमने बारी बारी से आपको बता चुके हैं, और यह इधर जो है वह है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन की विंडो जिसके विषय में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब आप दोनों को एक साथ देख करके समझ सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है। तो इनमें फ़र्क सिर्फ यही है कि पीस इन्फॉर्मेशन वाले पे पीस डालने वाला बॉक्स आ रहा है और ग्लोबल इन्फॉर्मेशन वाले पे स्टाइल नंबर डालने वाला बॉक्स आ रहा है। बाकी और भी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं वह वही हैं जो पिछले विंडो पे थे, जैसे कि कोड, डिस्क्रिप्शन, मटेरियल और इधर वन बे, टू बे, वफर वगैरह वगैरह। तो वह सब हमने पीस इन्फॉर्मेशन वाली विंडो पे सीख लिया है। तो अब आपको जो भी यहाँ भरना है वह बहुत ही सोच समझकर भरना है, क्योंकि जो भी आप यहाँ भरोगे वह पैटर्न के सभी पार्ट में अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसी जानकारी इसमें भरनी है जो हर पार्ट पे दिखाई दे, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स पे भर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स पे आप अपना नाम और वह डेट भर दें जिस डेट को आप वह पैटर्न बना रहे हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करके ओके कर देना है और वह सारी जानकारी अपडेट हो जाएगी। आई होप यह सब आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है रिप्लेस ओल्ड। और इसका जो काम है वह यह है कि मान लो हम कोई ऐसा पैटर्न बना रहे हैं
जिसमें कई पार्ट हैं जिनकी वजह से हमारी स्क्रीन पूरी भरी हुई है और हमें कन्फ्यूजन सी हो रही है। तो हम इस टूल से टेबल पे दिखाई दे रहे पार्ट को पीस बार में भेज सकते हैं। और अब आप सोचोगे ये पीस बार कहाँ है, तो गाइस पीस बार हमारे स्क्रीन में लेफ्ट साइड में होता है। वैसे तो ये साइड में दिखाई देता रहता है, लेकिन अगर ये दिखाई ना दे रहा हो तो आपको यहाँ व्यू में जाना है और ऊपर से छठवें नंबर पे पीस बार लिखा हुआ है तो आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। और क्लिक करते ही पीस बार वाली विंडो साइड में दिखाई देने लगेगी। तो गाइस जो हम बात कर रहे थे वह यह थी कि अगर बहुत सारे पार्ट स्क्रीन पर हैं और हमें कन्फ्यूजन हो रही है तो हमें कुछ पार्ट को पीस बार में भेज देना है। लेकिन कैसे, तो आपको एक बार उस पार्ट पे क्लिक करना है जिसे हम पीस बार पे भेजना चाहते हैं और उसके बाद यह रिप्लेस ओल्ड वाले टूल्स पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही वह पार्ट पीस विंडो पे चला जाएगा और आपकी टेबल खाली हो जाएगी। और फिर आपको अगर वह चाहिए तो आपको पीस विंडो के अंदर वह पार्ट ढूंढना है और एक बार उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही वह पार्ट दोबारा से आपकी टेबल पे आ जाएगा। वैसे हर एक पार्ट पीस बार पे भी रहता है और इधर टेबल पे भी दिखाई देता है, लेकिन इस टूल्स के इस्तेमाल से टेबल से पीस हट जाता है और पीस बार में चला जाता है। तो उम्मीद है आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है सेव एक्टिव एस न्यू। और इसका जो काम है वह मेरे हिसाब से बेकार का काम है, क्योंकि जो इसका काम है वह एक तरह से कॉपी पेस्ट का काम है। लेकिन इसका क्या काम है वह मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं इसका प्रयोग नई टेबल ओपन करके सिर्फ एक पार्ट लेकर के बताने वाला हूँ, क्योंकि अनेक पार्ट होंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यह मैंने एक बॉक्स ले लिया है 70x24 सेंटीमीटर का और इसे सेव भी कर लिया है ABCDXYZ के नाम से। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ काम करूं और जो ब्लॉग है वह भी बना रहे और जो नया काम करूं उसकी एक कॉपी बन जाए। तो करना क्या है, चलिए मैं इसमें थोड़ा सा कुछ काम कर लेता हूं। तो यह मैंने इसमें आर्मोल और नेक बना लिया है और अब इसका काम शुरू होता है। तो क्या करना है, यहां सेव पे क्लिक करने से पहले आपको इस टूल्स पे क्लिक करना है। तो यह मैंने सेव एक्टिव एस न्यू वाले टूल्स पे क्लिक कर दिया और अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन से वह पार्ट हट गया है और इधर पीस बार पे दो पार्ट आ गए हैं। अब मैं इन पार्ट पे एक बार क्लिक करूँगा और यह टेबल पे आ जाएंगे। तो यह मैंने इन पर एक एक बार क्लिक किया और यह टेबल पे दिखाई देने लगे हैं। तो बस यही काम था इस टूल्स का। तो अगर आपको लगता है कि यह टूल्स का कोई फ़ायदा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप वही कॉपी पेस्ट करके अपना काम कर सकते हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जिसका नाम है रिमूव एक्टिव। तो गाइस इस टूल से भी आप किसी भी पार्ट को स्क्रीन से उठा के पीस बार में रख सकते हैं। वैसे जो पहले ऑप्शन का काम था सेम इसका भी वही है। तो आपको जो पीस को पीस बार पे भेजना है उस पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर इस टूल्स पे क्लिक करना है जिसका नाम है रिमूव एक्टिव। और क्लिक करते ही वह पार्ट स्क्रीन से हटकर पीस बार में चला जाएगा। और वापस स्क्रीन से लाने के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया है पीस बार के अंदर जाना है, उसी पीस पे क्लिक करना है और वह पार्ट वापस से स्क्रीन पे आ जाएगा। तो गाइस यही था इसका काम। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जिसका नाम है स्विच पीस। और इसका जो काम है वह है जैसे कि हमने कोई पुराना स्टाइल खोला और उसमें किसी पार्ट पे कोई करेक्शन कर दिया है और उसके बाद हमें लगा कि करेक्शन से पहले हमारा पीस कैसा था, तो वही देखने के लिए यह टूल्स यहाँ पर दिया गया है। तो आपको करना क्या है, आपको इस टूल्स पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही यह पहले जैसा दिखाई देने लगेगा जो करेक्शन से पहले था और दोबारा दबाने पे वैसा दिखाई देगा जैसा करेक्शन के बाद है।
तो इस तरह से यह स्विच वाले टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह टूल्स का इस्तेमाल सेव करने से पहले ही करना है। अगर आपने कंट्रोल एस कर दिया है और सेव हो गया है, तब आप यह स्विच टूल्स का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। यह फिर वैसा ही दिखाई देगा जैसा आप करेक्शन करके सेव कर चुके हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम है सेपरेट पीस। तो गाइस, सेपरेट पीस का जो फ़ायदा है वह कुछ इस प्रकार है। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे पार्ट हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक पार्ट वही बस दिखाई दे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, वह पार्ट पे क्लिक करना है जिस पे आप काम कर रहे हैं, ताकि वह पार्ट सेलेक्ट हो जाए। और उसके बाद एक बार इस सेपरेट टूल्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही स्क्रीन से सभी पार्ट हटकर पीस बार में चले जाएंगे। सिर्फ एक वही पार्ट बचेगा जिसे हमने सेलेक्ट कर रखा था। और आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है F9। तो ठीक इसी तरह से पार्ट सेलेक्ट करना है और सिंपल से F9 वाला बटन दबा देना है, और सारे पार्ट पीस बार पे चले जाएंगे, सिवाय उस पार्ट के जो सेलेक्ट था। आई होप यह आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम है सिम। तो पहले जानते हैं सिम क्या है। तो गाइस, सिम मार्जिन हम उसे कहते हैं जो सिलाई के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो भी हम पैटर्न बनाते हैं वह मेजरमेंट के हिसाब से रेडी पैटर्न होता है, और हमें सिलाई में दबाने के लिए सिम मार्जिन अलग से देना होता है। तो चलिए, सिम मार्जिन कैसे देना है वह सीख लेते हैं। तो गाइस, सिम मार्जिन देने के लिए यह दिए गए टूल्स पे क्लिक करना है, जिसका आइकन सिलाई मशीन की तरह दिया गया है। क्लिक करने के बाद जिस पार्ट पे सिम मार्जिन डालना है उसमें किसी एक पॉइंट पे डबल क्लिक करना है। क्लिक करते ही सिम मार्जिन की विंडो ऊपर आ जाएगी, जिसके अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको वह वैल्यू डालना है जितने का आपको सिम मार्जिन चाहिए। तो जैसे कि मुझे इस पार्ट पे ऑल अराउंड 1 सेंटीमीटर का सिम मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भर के ओके कर देता हूँ। तो यह मैंने 1 सेंटीमीटर भर के ओके कर दिया है, और अब आप देख सकते हैं पीस के चारों तरफ एक डॉटेड लाइन दिखाई देने लगी है। तो यही है सिम मार्जिन। तो अब जब हमारा प्रिंट निकलेगा तो यही डॉटेड लाइन से ही हमारा प्लॉटर कट करेगा। तो गाइस, यह तरीका जो था वह था ऑल राउंड में एक बार में एक जैसा मार्जिन डालने के लिए। लेकिन अगर हमें कहीं पे कम या ज़्यादा मार्जिन देना है तो कैसे देंगे। तो गाइस, इसी तरह से यह सिम वाला टूल्स ले लेना है, और वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट करना है जहाँ से जहाँ तक ज़्यादा मार्जिन चाहिए। तो मुझे फ़िलहाल यह स्लीव के बॉटम पे ज़्यादा मार्जिन चाहिए, क्योंकि फोल्ड में ज़्यादा कपड़ा लगता है। तो मुझे बॉटम पे 3 सेंटीमीटर का मार्जिन चाहिए, क्योंकि मुझे स्लीव का फोल्ड 2 सेंटीमीटर का रेडी चाहिए। तो यह मैंने कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया, और यह सिम मार्जिन वाला बॉक्स आ गया है, जिस पे यह मैंने 3 सेंटीमीटर की वैल्यू भर दिया है, और यहाँ से अप्लाई कर दिया है। और अब आप इधर देख सकते हैं सिम मार्जिन बढ़ गया है। तो इसी तरह से आप अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्जिन दे सकते हैं। तो गाइस इसी में सिम मार्जिन वाली विंडो पे कुछ ऑप्शन और भी दिए गए हैं, जिनकी जानकारी भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। वह है जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टार्ट पॉइंट, और नीचे वाले पे लिखा है एंड पॉइंट। तो इनका फ़ायदा क्या है। तो गाइस, इनका जो फ़ायदा है वह यह है, जैसे कि अभी हमने यह जो मार्जिन दिया है इसमें कुछ गड़बड़ी है। वह गड़बड़ी क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यह मार्जिन हमने दिया है, और जब इसको 2 सेंटीमीटर का फोल्ड किया जाएगा तो यहाँ कॉर्नर के पास कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो वही ठीक करने के लिए यह ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाइस, स्टार्ट पॉइंट वह होता है हम जहाँ से सेलेक्ट करना शुरू करते हैं, और एंड पॉइंट वह होता है जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो हमें स्टार्ट पॉइंट वाले पे फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, लेकिन एंड वाले पॉइंट पे मार्जिन का कोना निकालना है, नहीं तो फोल्ड के दौरान टेलर को दिक्कत हो जाएगी। तो यह मैं बारी बारी से सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और अप्लाई करूँगा।
और जिस ऑप्शन से मेरे मन मुताबिक मार्जिन आ जाएगा वहीं से अप्लाई करके ओके कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से यह 5 नंबर वाला ऑप्शन ठीक है, तो यह मैं अप्लाई करके ओके कर देता हूं। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप यह सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम है डिलीट सिम। तो गाइस, अगर हमने पीस में सिम मार्जिन डाल रखा है और अब चाहते हैं कि किसी एक पार्ट के सिम मार्जिन को हटाना है, तो एक बार उस पार्ट पे क्लिक करना है ताकि वह पार्ट सेलेक्ट हो जाए, और फिर यह डिलीट सिम वाले टूल्स पे एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करते ही उस पार्ट से पूरा सिम मार्जिन डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ यही काम था इस टूल्स का। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट टूल्स का नाम है रिमूव सिम। और इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है, जैसे कि एक बार इस टूल्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यह टूल्स आपके माउस पे सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप किसी भी एक पार्ट के सिम मार्जिन को क्लॉकवाइज सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करते ही वहाँ का मार्जिन रिमूव हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके मार्जिन को रिमूव कर सकते हैं। और जो अभी हमने पिछला टूल्स बताया था उसके इस्तेमाल से एक ही क्लिक पे पूरे पार्ट का मार्जिन रिमूव हो जा रहा था, और इससे अलग अलग जगह के मार्जिन को सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस, इस टूल्स का काम बस इतना ही था। तो गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम है इंटरनल टू सिम। और इसका काम क्या है, इंटरनल लाइन को सिम लाइन बनाना। जैसे कि अभी यह टूल्स हाईलाइट नहीं है क्योंकि इसका काम हमारे इस पीस में अभी नहीं है। तो गाइस, इसका काम तब पड़ता है जब हम कोई DXF फाइल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने भी कभी DXF फाइल इंपोर्ट किया होगा तो देखा होगा कि उसमें सिम लाइन के बजाय सॉलिड लाइन बनी हुई होती है, और फिर हम जब कभी उसे ग्रेडिंग करते हैं तो हमें और भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ग्रेडिंग के टाइम पे पहले अंदर वाली लाइन पे ग्रेडिंग डालो और फिर बाहर वाली सिम मार्जिन पे ग्रेडिंग डालो। तो यह टूल्स पे उसी समस्या का समाधान छिपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो गाइस, जो पैटर्न हमारे स्क्रीन पे खुला हुआ है उसका हमने एक DXF फाइल भी बनाया हुआ है। तो चलिए मैं उसे ओपन कर लेता हूँ और फिर आगे की जानकारी जानते हैं। तो यह मैंने फाइल पे क्लिक किया और ऊपर से 8वें नंबर पे इंपोर्ट पे क्लिक करके वह DXF फाइल को ओपन कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि यह पैटर्न वही है, लेकिन इसमें जो सिम मार्जिन है वह वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। इसमें दोनों लाइन एक ही जैसे दिख रही हैं, और यह हमेशा तब होता है जब हम कोई DXF फाइल ओपन करते हैं तो ऐसे ही मार्जिन दिखाई दिया करता है। तो हमें क्या करना है, अंदर जो लाइन है उस पर एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यह जो टूल्स हमारा हाईलाइट नहीं था वह अब हाईलाइट हो गया है। और अब उसके बाद जैसे ही अंदर की लाइन सेलेक्ट हो जाए तो इस टूल्स पर एक बार क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही अंदर वाली लाइन सिम लाइन में बदल जाएगी। वैसे हमारे सिम मार्जिन की लाइन जो है वह बाहर होती है, लेकिन इस टूल से अंदर वाली लाइन ही सिम मार्जिन में बदल पाती है। तो इसी तरह से हमें हर एक पार्ट के अंदर वाली लाइन पर क्लिक करना है, और लाइन जैसे ही क्लिक हो जाए वैसे ही इस टूल्स पर क्लिक करके बारी बारी से अंदर की लाइन को सिम मार्जिन बना लेना है। और अब मैं आपको वह भी बता देता हूँ कि जो अंदर की सिम लाइन है उसे बाहर की लाइन में कैसे बदल सकते हैं। तो आपको अपने कीबोर्ड पर F5 वाली बटन क्लिक करना है, और क्लिक करते ही अंदर के सिम मार्जिन वाली लाइन बाहर की ओर चली जाएगी, और बाहर की सॉलिड लाइन अंदर की तरफ आ जाएगी। तो आप इस तरह से F5 वाली बटन दबा करके अंदर के मार्जिन लाइन को बाहर की तरफ कर सकते हैं। अगर F5 बटन दबाने से यह काम नहीं हो रहा है तो आप फंक्शन की दबा करके F5 दबाएं, तब आपका यह काम ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर हैं वह फंक्शन बटन के साथ काम करते हैं।
तो आप इस तरह से बारी बारी से सभी पार्ट के मार्जिन को भी बाहर कर लेना है। आई होप यह जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिस टूल्स का नाम है मैनुअल सिम एंगल। तो गाइस इस टूल से हम सिम मार्जिन को अपने मन मुताबिक एडिट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो गाइस इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह है, जैसे कि यह हमारे पास एक फ्रिल है और हमने इस फ्रिल में 1 सेंटीमीटर का मार्जिन डाला हुआ है, लेकिन हर जगह मार्जिन तो ठीक है, लेकिन इस कोने के पास इस मार्जिन की लंबाई बहुत ज़्यादा दूर तक जा रही है और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं अपने मन मुताबिक सेट कर दूँ। तो आपको करना क्या है, यह मैनुअल सिम एंगल वाला टूल्स ले लेना है और उसके बाद उस पॉइंट पे क्लिक करना है जिसका कोना बहुत दूर तक जा रहा है। तो यह मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और कुछ इस तरह से सिम मार्जिन को सेलेक्ट करके कोना को ख़त्म कर दिया। तो आप भी इस तरह से कोने वाली जगह को मैनुअल सिम वाले टूल्स से यह काम कर सकते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपने यह सब कुछ बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।